सब्सक्राइब करें सौम्याज किचन को और ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन को क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं एप्पल शेक। ये बहुत हेल्दी होता है। एप्पल शेक बनाने के लिए चाहिए दूध, सेब, बर्फ़, दालचीनी पाउडर और शुगर पाउडर। अगर हम ज़्यादा चीनी लेते हैं तो वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं हो पाती है, और चीनी का जो पाउडर होता है वो जल्दी से मिक्स हो जाता है मिल्क शेक में। दालचीनी का पाउडर एप्पल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस तरीके से मिल्क शेक बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। आप एक बार इस तरीके से मिल्क शेक ज़रूर बना करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले एप्पल को छील करके छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, पीलर से छील लेंगे या फिर आप चाहें तो छुरी से भी छील लें। जैसे आपको आसानी हो आप उस तरीके से छील सकते हैं। एप्पल को थोड़े से पानी में डाल लेंगे काट करके, जिससे कि एप्पल काला ना पड़े, नहीं तो एप्पल का बहुत ही जल्दी कलर चेंज हो जाता है। एक पीस को अलग रख देंगे। 3/4 सेब को हम मिक्सी के जार में डालेंगे, एक पीस को अलग रख देंगे जिससे कि उसको हम मिक्स करेंगे बाद में। मिक्सी के जार में सबसे पहले सेब को डालेंगे। अगर आप तुरंत की तुरंत बना रहे हैं तो पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप थोड़ी देर में बना रहे हैं तो पानी में भिगोने की ज़रूरत है सेब को। अब इसमें चीनी डालेंगे, आप चाहें तो शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून या 2 टीस्पून इसमें शहद डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। चुटकी भर दालचीनी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल चुटकी भर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप देख सकते हैं। और अब इसमें दूध डाल देंगे ठंडा, ब्लेंड करेंगे अब इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें आइस डालेंगे, जितना आपको ठंडा करना है उतनी आइस डालेंगे। और अगर आपको और ज़्यादा टेस्टी बनाना है मिल्क शेक को तो आप इसमें 1 टीस्पून के करीब वनीला आइसक्रीम डाल दें तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। वनीला आइसक्रीम ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है आइसक्रीम को डालना। अब इसको एक बार फिर से चर्न करेंगे। एप्पल शेक बन करके तैयार हो गया है, और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी एप्पल शेक बन गया है, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। एप्पल के एक पीस बचाया था हमने। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस काट करके ग्लास में डाल सकते हैं, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल भी पीसेस ना डालें। आप देख सकते हैं कितना थिक शेक बना है, बहुत ही अच्छा शेक बना है, देख सकते हैं आप, क्रीमी एकदम। और इसके ऊपर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और डाल देंगे। एप्पल के एक पीस को काट करके इस पर इस तरीके से लगा सकते हैं। बताइए फ्रेंड्स, ये एप्पल शेक की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन।